चैनल शोभा पहाड़ी ब्लॉगर। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शोभा पहाड़ी ब्लॉगर पर। तो मैं आपकी अपनी शोभा और आप सभी यूट्यूब फैमिली का फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं सुबह सुबह अभी उठी हूँ, तो अभी मैं जो है ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ जो है थोड़ा सा शेयर करूँ। तो चलिए आप लोगों को ले चलती हूँ। ज़्यादा मुझे मतलब नहीं बनाना, थोड़ा सा बनाऊंगी। ये बहुत ही ताकतवर होता है सेहत के लिए, और मतलब हेल्दी और बहुत मतलब अच्छा होता है। इससे भूख ज़्यादा नहीं लगती है। आजकल इसको ज़्यादा बनाया जाता है धान के रुपाई के टाइम, और ब्रेकफास्ट के लिए इसको साथ में भी लिया जाता है। और मैं इसमें अपने हिसाब से जो है चीनी मिलाऊंगी, चीनी डालूंगी। इसमें आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, मतलब घी में भूनना है पहले ड्राई फ्रूट को, जैसे हलवा बनाते हैं, आटे का हलवा, सूजी का हलवा और ये सीरे का हलवा। और ना इसको ज्यादा लिक्विड नहीं करना है, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, जो ये गोल्टे हैं ना वे गोल्टे ही रहते हैं। हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। अभी इसको ऐसे रखना है, उतनी देर में मैं कढ़ाई में घी डाल के जो है रेडी कर लेती हूँ। देसी घी जितना तड़के में डालते हैं उस हिसाब से डालना है, ज्यादा नहीं डालना। एक हाथ से बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। ये अपना घी है अपनी गाय का। लोहे की कढ़ाई मैंने इसलिए ली, नहीं तो मेरे पास दूसरी कढ़ाई थी बिजली वाले चूल्हे में, स्टील वाली, ये वाली मैंने इसलिए ली क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। आप लोगों को पता है लोहे की कढ़ाई में मतलब लोहे के बर्तन बहुत ही बेटर होते हैं हमारे लिए। थोड़ी सी कमी रहेगी शायद, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा पूरा तो कोई बात नहीं, बट कम नहीं होना चाहिए। और इसको गर्म होने देती हूँ और इतनी देर में इसको मिला लेती हूँ। था आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको शाम को भी डाल सकते हैं भीगने के लिए, और फिर इसको छन्नी के साथ जो है। और सीरप बनाते कैसे हैं ये आप लोगों के साथ देखती हूँ, शेयर करूँगी। अब जो है आप लोग हाथ भी लगा सकते हैं, अब हाथ हाथ के साथ भी कर सकते हैं इसे। ये रहने नहीं चाहिए ना बिल्कुल, अभी जो है मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है। ये बहुत मुश्किल होता है, बड़ी छन्नी जिससे आटा छानते हैं वो वाली अच्छी होती है इसके लिए। तो सबसे फ्रेंड इम्पोर्टेंट बात ये है, नीचे जो है बड़ा बर्तन लेना, फिर इसके साथ मैंने इसको किया साफ। अभी मैंने इसको धो के दिया तो भी घी गर्म
कर लेती हूँ, दोबारा से ठंडा हो गया। इसको ज्यादा घना नहीं रखना, ठीक नहीं करना इसको ज्यादा, पतला थोड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं। गरम धुआं आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही आराम से डालना इसको। और बच्चे की फरमाइश थी, मेरा छोटे वाला बेटा बोलता मम्मी सीरा खाना, तो मेरे को याद है मैं थी और कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो आज मैंने सोचा बना लेती हूँ। अब इसको अच्छे से हिलाना जितना हो सके, हिलाते रहना है। जब तक ये पूरा पकड़ जकड़ न जाए ना आपस में, तब तक इसको हिलाते रहना है। मैं स्टॉप करूंगी क्योंकि मुझे कैमरा पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी दो गैस की मतलब खुली रखनी है, जब ये पूरा जकड़ जाएगा उस टाइम जो है ना उनको मीडियम बिल्कुल कर देना है। तो ये देखिए टंटना, तो बन के हो गया रेडी। और जो नीचे लगता है ना कढ़ाई में जलता है, वो बहुत ही टेस्टी और पैक क्रंची, बिल्कुल ऐसे कर कर की आवाज़ आती है और बहुत ही यमी होता है। और मैंने इतनी बड़ी कढ़ाई तब ली है क्योंकि कढ़ाई में बनाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। मेरे पास दूसरी कढ़ाई है, मैंने बताया आप लोगों को। तो ये बन के देखो रेडी हो गया। इसको थोड़ी देर हिलाना, ये देखो ये लग गया है ना नीचे, ये बहुत ही टेस्टी होता है जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। थोड़ी देर इसको बिल्कुल ये कर लेना है। तो हो गया मेरी रेसिपी बन के तैयार ब्रेकफास्ट के लिए, और बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए भी, सबके लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। तो अब मैं इस वीडियो को कर रही हूँ फिनिश, और आप भी आइए मेरे घर का भी मैं बना के खिलाऊंगी। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए।